मर्द और औरत एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे नहीं बढ़ेंगे, सही मानों में हम औरतों के सशक्तिकरण को पूरी तरह से नहीं मना सकते। तो आप देखिए कि मैंने इन दिनों में ऐसा किया था कि कई सारे स्क्रिप्ट, कई सारे टेक्स्ट बुक्स मैंने देखे थे थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, क्योंकि ये तो हम कहते हैं कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, लेकिन किस तरह की शिक्षा उस पर कम तवज्जो देते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ। तो थर्ड स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक्स में एक सवाल आता है, माँ कहाँ है? आपको क्या लगता है उसका जवाब क्या होगा? माँ रसोई घर में है। उसके साथ दूसरा सवाल होता है, पिता कहाँ है? जवाब होता है, पिता दफ्तर में है। तो मैंने पार्लियामेंट में उठ के ये बात कही थी कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि सवाल हो माँ कहाँ है, जवाब हो माँ दफ्तर में है, पिता कहाँ है, जवाब हो पिता रसोई घर में है। ये क्यों नहीं हो सकता है कि माँ और पिता दोनों रसोई घर में है और माँ और पिता दोनों दफ्तर में है? हम क्यों अपने 3 साल के बच्चों के लिए ये तय कर देते हैं कि लड़कियों का काम अलग है और मर्दों का काम अलग है? इस माइंडसेट को हमको चेंज करना पड़ेगा। हम लोग 19वीं, 20वीं और 21वीं सदी में एक साथ जीते हैं और उसकी वजह से बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। तो जब हम महिलाओं के बारे में सोचते हैं तो हिंदुस्तान में एक तरफ से हमारी प्राइम मिनिस्टर महिला रह चुकी हैं, हमारी प्रेसिडेंट महिला रह चुकी हैं, बहुत सारे इम्पोर्टेंट पोजीशंस में महिलाएं हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि आज भी लड़की को पैदा होने पर उसका गला घोट दिया जाता है और फीमेल फीटिसाइड आज भी प्रैक्टिस की जा रही है हमारे शहर में, साउथ मुंबई में, साउथ दिल्ली में, हरियाणा, पंजाब, गुजरात। तो ये स्थिति जो है चेंज होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी समाज, कोई भी मुल्क अपने आप को सभ्य नहीं कह सकता अगर उसकी 50% आबादी जो उसकी महिलाएं हैं वो पीछे रह जाएं। इसलिए ज़रूरी है कि हम बराबर का मौका अपनी महिलाओं को दें, बराबर का मौका अपनी लड़कियों को दें, उनकी तालीम की फ़िक्र करें, उनके किसी तरह की उनके पास सलाहियत होनी चाहिए जिसके ऊपर वो अपने पाँव पे खड़ा हो सके।